नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान लाइव में। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। ब्रिटिश शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और इस बीच बड़ी खबर आ रही है नागौर से। मोबाइल शॉप पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। पुलिस चौकी के करीब 200 मीटर की दूरी पर चोरी की वारदात हुई है। करीब 103 मोबाइल से ज्यादा मोबाइल चोरी हुए हैं। नागौर कोतवाली पुलिस मामले की पूरी जांच पड़ताल कर रही है। ये खबर नागौर से, मोबाइल शॉप पर चोरों ने हाथ साफ किया। पुलिस चौकी के करीब 200 मीटर की दूरी पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। करीब 103 से भी ज्यादा मोबाइल चोरी किए गए हैं। नागौर कोतवाली पुलिस पूरे मामले की फिलहाल जांच कर रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं पाली से। सोशल मीडिया पर दोस्ती कर फंसाने का मामला सामने आया है। हनी ट्रैप के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिलाएं घर बुलाकर बनाती थी अश्लील वीडियो। डॉक्टर, वकील, अफसरों को भी अपना शिकार बनाया। गिरोह में शामिल कई आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पाली से। सोशल मीडिया पर दोस्ती कर फंसाने का मामला सामने आया है। हनी ट्रैप के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं महिलाएं घर बुलाकर अश्लील वीडियो बनाया करती थी। डॉक्टर, वकील, अफसरों को भी अपना शिकार बनाया था इन महिलाओं ने। ग्रोह में शामिल कई आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। तो चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल की संभावनाओं के बीच विधानसभा का सत्र बुलाने की तैयारी चल रही है। सरकारी विभागों ने विधानसभा सत्र को देखते हुए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कुछ नए विधेयक भी विधानसभा में पेश करने की तैयारी है। संसदीय कार्य विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेज चुका है, और अब मुख्यमंत्री के स्तर पर फैसला होने के बाद फाइनल राजभवन भेजी जाएगी। और इस बार के विधानसभा सत्र को अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है। आपको बता दें कि संसदीय प्रावधानों के मुताबिक 6 माह में एक बार विधानसभा सदन की बैठक बुलाना अनिवार्य है। 19 मार्च को विधानसभा के बजट सत्र में आखिरी बैठक थी, जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई थी। 6 महीने के प्रावधान के हिसाब से 19 सितंबर से पहले विधानसभा सत्र बुलाना जरूरी है। सरकार में इसे लेकर तैयारियां भी शुरू कर चुकी है। हालांकि अभी पुराने सत्र का भी सत्रावसान नहीं हुआ है। तो देखिए, मंत्रिमंडल फेरबदल की संभावनाओं के बीच विधानसभा का सत्र बुलाने की तैयारी चल रही है। सरकारी विभागों ने विधानसभा सत्र को देखते हुए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, और कुछ नए विधेयक भी विधानसभा में पेश करने की तैयारी है। संसदीय कार्य विभाग विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेज चुका है, और अब मुख्यमंत्री के स्तर पर फैसला होने के बाद फाइल राजभवन भेजी जाएगी। तो देखिए, इस पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी लोकेश नागर। लोकेश, देखिए, विधानसभा का सत्र है, उसको भी शुरू होना है। मंत्रिमंडल का विस्तार, उसको भी सरकार को देखना होगा, क्योंकि देखिए अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो भी नहीं हुआ है। फिलहाल सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां हो रही है? दिशा, बिल्कुल, राजस्थान विधानसभा सत्र बुलाने के लिए संसदीय कार्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्रस्ताव भेजा जा चुका, और मुख्यमंत्री के स्तर पर अभी फैसला होना है। राजभवन भेजी जाएगी मुख्यमंत्री के निर्णय के बाद ये फाइल। और क्योंकि इस बार बहुत सारे ऐसे विधेयक हैं जो विधानसभा में पारित होने हैं, सरकार ने पूरी तैयारी इसको लेकर की हुई है। ऐसे में तमाम जो विभाग हैं सरकार के, उन्होंने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके बीच हम आपको बताएं कि कांग्रेस पीसीसी के जो प्रभारी हैं अजय माकन, वो
राजस्थान आए थे और विधान आयोगों के साथ राय शुमारी के बाद उन्होंने पीसीसी में संकेत दिए कि राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो कामकाज पिछले दिनों से चल रहा था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो अदावत थी उसे खत्म करने के लिए राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का काम बहुत जल्दी राजस्थान में कर दिया जाएगा। ऐसे में राजस्थान सरकार के जो मंत्री हैं उनमें भी हलचल देखने को मिल रही है। कुछ ऐसे मंत्री हैं जिन्हें लो परफॉर्मेंस के कारण मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाए। ऐसे में इन मंत्रियों को डर सता रहा है कुर्सी जाने का। तमाम नाम इसमें शामिल थे जिन्हें रायशुमारी में विधायकों द्वारा शिकायत की गई थी अजय माकन को। अजय माकन पार्टी आलाकमान को ये सारा फीडबैक देंगे और उसके बाद निर्णय होगा कि राजस्थान में किन व्योक्तियों को मंत्रिमंडल से बाहर किया जाएगा। लोकेश, पिछले दो से तीन दिनों के अंदर अजय माकन ने कई विधायकों से बातचीत की, रायशुमारी की और वहीं पदाधिकारियों से बातचीत भी की जिसमें डोटासरा भी मौजूद रहे। लोकेश देखिए, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि विधानसभा सत्र से मैं जाने से पहले गहलोत मंत्रिमंडल के चेहरे बदलने तय है और इसका जिक्र आपने भी किया है, तो वो ऐसे कौन कौन से चेहरे हैं, कोई है आपके पास जानकारी जो बदल सकते हैं? जी बिल्कुल ऋचा, अजय माकन जब रायशुमारी कर रहे थे तो तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस के उनसे उनके विधानसभा क्षेत्रों में कामकाज के साथ साथ मंत्रियों के काम के बारे में भी पूछा गया और किन मंत्रियों के बर्ताव ठीक नहीं थे, विभागों का काम ठीक नहीं है, प्रभार वाले जिलों में कामकाज का फीडबैक अजय माकन लिया था। तो एक नोट तैयार किया गया और यही मंत्रिमंडल विस्तार में एक आधार बनेगा पूरा जो फीडबैक यहाँ लिया गया है। तो विशेष तौर से बात की जाए तो चर्चा के दौरान जो निकलकर रायशुमारी से बाहर जानकारी आई थी उसमें कुछ विधायकों द्वारा ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला की शिकायत की गई थी कि उनके विभाग के जो बड़े विभाग हैं एनर्जी और पीएलडी जो बड़े विभाग हैं उनके कामकाज को लेकर असंतुष्टि विधायकों ने जाहिर की थी। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नाम को लेकर जबरदस्त चर्चा चल रही है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं तो दोहरी जिम्मेदारी उनके पास है, ऐसे में उन्हें भी मंत्रिमंडल से हटाकर संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जिस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अदावत मुख्यमंत्री के पद को लेकर हुई थी उस समय राजस्थान सरकार में सचिन पायलट को हिस्सेदारी दी गई थी और उनके कोटे से तमाम मंत्री बनाए गए थे। उनमें कई बड़े नाम शामिल है जैसे सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना पायलट के कोटे से मंत्री बने थे, हायर एजुकेशन मिनिस्टर भंवर सिंह भाटी उनके कोटे से मंत्री बने थे, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास उनके कोटे से मंत्री बने थे। ऐसे तमाम नाम है जो पायलट कैंप के कोटे से उस समय मंत्री बनाए गए थे। अब सचिन पायलट को जब संतुष्ट करने के लिए आलाकमान एक रणनीति बना रहा और सचिन पायलट की जो विषय थे उन पर पैराइटी से विचार कर रहा है तो सचिन पायलट की ओर से एक शर्त रखी गई है कि जो मंत्री उस समय उनके कोटे से बनाए थे उन्हें हटाकर नए लोगों को जिम्मेदारी दी जाए। ऐसे में माना जा रहा है कि पायलट को संतुष्ट करने के लिए कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं और कुछ मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाकर संगठन बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तमाम नामों की चर्चा है, ऐसे में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को लेकर भी एक चर्चा सामने आई कि उन्होंने पंजाब में जिस तरह पार्टी के लिए काम किया है तो उन्हें मंत्रिमंडल से हटाकर पंजाब में किसी बड़ी जिम्मेदारी या बड़ी भूमिका में संगठन में जगह दी जा सकती है। ऐसी तमाम चर्चाएं हैं और आशा की जा रही है कि बहुत जल्दी राजस्थान मंत्रिमंडल और राजनीतिक नियुक्तियों का जो कामकाज है वो हो जाएगा। माना जा रहा है कि अगस्त के पहले या दूसरे सप्ताह में राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार का काम हो जाएगा और 19 सितंबर से पहले जब विधानसभा सत्र बुलाया जाना आवश्यक है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि नए चेहरे कौन होंगे, क्या उसका आधार रखा जाएगा और नई टीम मुख्यमंत्री की कौन सी होगी। इसमें एक विशेष रूप से चर्चा ये भी है कि जब पार्टी आलाकमान के स्तर पर ये सारे निर्णय हो रहे तो सामूहिक रूप से मंत्रियों के इस्तीफे लिए जा सकते हैं और उसके बाद किन व्यक्तियों को मंत्रिमंडल से बात करना है ये पार्टी आलाकमान के स्तर पर तय किया जा सकता है। इसके संकेत अजय माकन ने कल दिए थे, उन्होंने कहा कि कुछ मंत्री हैं राजस्थान सरकार के वो खुद आगे से चलकर अजय माकन के पास पहुंचे हैं और उन्होंने संगठन में काम करने की इच्छा जाहिर की है। ऐसे में माना जा रहा है कि बहुत सारे मंत्रिमंडल के ऐसे मंत्री हो सकते हैं।
लोकेश देखिए, गहलोत मंत्रिमंडल फेरबदल की संभावना तो है ही और कई मंत्रियों को बाहर करने के संकेत भी हैं। लोकेश, एक वीडियो वायरल हुआ था डोटासरा का, जिसमें वो जब राजस्थान बोर्ड का जब रिजल्ट निकला था तो उसमें बैठे हुए थे तो नाश्ता करते, उस बारे में एक वीडियो सामने आया था, काफ़ी वायरल भी हुआ था कि उन्होंने कहा था कि कुछ टाइम का मैं मंत्री हूँ या 4 से 5 दिन का भी मंत्री हूँ, क्या पता कि मैं मंत्री रहूँ या ना रहूँ। उसने ऐसे कुछ संकेत भी दिए, तो क्या हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं डोटासरा भी मंत्रिमंडल से हट सकते हैं जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हुआ था उसके जरिए? जी बिल्कुल, गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान पीसीसी के अध्यक्ष हैं और संगठन के कामकाज के साथ उनके पास एक बहुत बड़ा विभाग है एजुकेशन, जहाँ कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि बहुत सारे जो विधायक हैं उनकी शिकायत थी कि गोविंद सिंह डोटासरा के विभाग में जो कामकाज विधायकों का है वो संतोषजनक नहीं है। ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा संगठन के एक अच्छे कार्यकर्ता है, पायलट कैंप के जो विधायक हैं उन्होंने भी खुलकर गोविंद सिंह डोटासरा का समर्थन किया है और कहीं कहीं माना जा रहा था कि गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थान 2023 के चुनाव को देखते हुए और चुनाव की तैयारियों को लेकर देखते हुए मंत्रिमंडल से हटाकर संगठन में जिम्मेदारी दे दी जाएगी, जिससे जो संगठन का कामकाज है वो प्रभावित नहीं हुआ। ऐसे में माना जा रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा को केवल प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी पार्टी आलाकमान की ओर से दी जा सकती है और जो शिक्षा मंत्री का पद है वो ले लिया जा सकता है। तो कहीं कहीं चर्चा है, अभी इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की कांग्रेस में चर्चा है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, ऐसे में बड़े बदलाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं, इसकी पूर्ण संभावना राजस्थान में नजर आ रही है। चलिए लोकेश नाकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। चलिए राजस्थान खबरों में आगे बढ़ने के से पहले आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिवंगत पत्रकारों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी परवाह नहीं की, अपनी जान की परवाह नहीं की, उन्होंने देश की समाज की परवाह की, अपने कर्तव्य की परवाह की। आपको याद होगा कि जिस समय कोरोना का काल शुरू हुआ, एक स्टेज ऐसी आई जब लोगों ने लापरवाही करना शुरू किया, प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते थे, बाजारों में भीड़ देखी, मंडियों में भीड़ देखी, उस समय भी हमारे रिपोर्टर्स, हमारे कैमरा पर्सन लोगों के बीच में गए। ये बहुत खतरे का काम था, उन्हें भी इन्फेक्शन हो सकता था, उनका इंफेक्शन उनके परिवार वालों तक आ सकता था। लेकिन उस समय सबको लगा कि नहीं, लोगों को जगाने के लिए, लोगों को सवाल पूछने के लिए, लोगों को चैलेंज करने के लिए ये काम जरूरी है। कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं जब लोगों के बीच जब पत्रकार बंद हो गए तो उन्हें कहीं कहीं गालियां सुननी पड़ी, कहीं कहीं पत्थर खाने पड़े, लोग उनसे पूछते थे आप कौन होते हमसे पूछने वाले, आप कौन होते हमें कहने वाले कि भीड़ मत लगाइए। लेकिन पूरे देश में, चाहे वो ब्रॉडकास्ट के जर्नलिस्ट हो, चाहे वो प्रिंट के जर्नलिस्ट हो, चाहे डिजिटल मीडिया के जर्नलिस्ट हो, जिसको जहां मौका मिला उन्होंने सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं की, लोगों को समझाने का काम किया, लोगों की बातों का बुरा नहीं माना। और फिर आप जानते हैं कि ऐसी स्टेज आई जब पूरे देश में हाहाकार मचा था, हॉस्पिटल में बेड की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, संख्या इतनी ज्यादा थी कि कोई भी व्यवस्था। तो चलिए राजस्थानी खबरों का रुख कर लेते हैं। बांसवाड़ा से लंबे समय से बीजेपी में बड़ी भूमिका निभाने वाले परमेश्वर मैड़ा को बांसवाड़ा का बीजेपी एसटी मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इस दौरान जिलाध्यक्ष का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मैडा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है मैं उनका आभारी हूं, उनके दिए दायित्व का निर्वहन करूंगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते भाव को लेकर झूठा प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस को अपने गृहवार में झांकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी
बांसवाड़ा के जिला पदाधिकारी और प्रदेश नेतृत्व ने मुझे जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। मैं पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी के नाते मैं इस जनजाति बाहुल्य जिले बांसवाड़ा और वागड़ क्षेत्र की जो विभिन्न समस्या हैं इन समस्याओं पर मैं फोकस करूंगा और रेगुलर जहाँ भी मुझे मंच मिलेगा उस मंच के माध्यम से क्षेत्र की समस्याओं को और सरकार की राजस्थान सरकार ने जो जिस प्रकार की जो इन्होंने अलग अलग पेट्रोल की और वगैरह की बातें करते हैं मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि आपकी खुद के राजस्थान में पेट्रोल। बारां जिले के शहबाज क्षेत्र के आदिवासी अंचल क्षेत्र में सुबह से ही जोरदार बारिश का दौर शुरू हो गया। इससे चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दिया और नदी नाले पूर्ण रूप से उफान पर रहे। बारिश की वजह से कई स्थानों पर बिजली के खंभे धराशाही हो गए। इससे बिजली गुल रही तो कई लोगों के मकान भी गिर चुके हैं और जोरदार बारिश होने के कारण क्षेत्र के जंगल में झरने गिरने शुरू हो गए। इस दौरान लोग झरनों का आकर्षक नजारा देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। वहीं कुंडा खो का झरना लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पूरे प्रदेश में मॉनसून मेहरबान है और ऐसे में प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश तो कहीं रिमझिम बारिश का दौर जारी है। वहीं माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू में पिछले 3 दिनों से मौसम बड़ा बेरहम बना हुआ है। शहर के चारों ओर घना कोहरा और तेज हवाएं चल रही हैं। तेज हवाओं के चलते शहर में 3 स्थानों पर आज पेड़ धराशाही हुए जिससे विद्युत लाइनें टेलीफोन की लाइनों को नुकसान पहुंचा। के अंदर 6 बजे के आसपास ये पेड़ गिरा है सर, क्योंकि बारिश काफी दिनों से हो रही है, रिमझिम हो रही है, जमीन काफी गीली हो चुकी है। अभी पेड़ गिरा है इस गाड़ी के वजह से, इसके अंदर 2 आदमी सूरत है, इस गाड़ी में इस कार के अंदर 2 सूरत है, इसके वजह से वो सेफ बच गए। एक खोज भी नहीं आई है, भगवान का शुक्र है, इस गाड़ी के ऊपर नुकसान हुआ है। जयपुर के रेनवाल क्षेत्र में बारिश का दौर जारी है। बारिश से कस्बे में कई जगहों पर पानी भर गया है जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। वहीं मुंडली गांव के लोगों का मुख्य रेनवाल करण रोड से संपर्क कट गया है। रेनवाल करण मार्ग पर पानी भरने और कटाव हो जाने से आवागमन बाधित हो रहा है। क्षेत्र में लगातार मूसलाधार बरसात होने की वजह से निकटवर्ती वाल्यावास एनीकट में पानी की आवक अच्छी होने से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। प्रतापगढ़ के अरनोद में नवनियुक्त एसडीएम सीमा खेतान ने पदभार संभाला। सीमा खेतान को चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा तहसीलदार सेवा से राजस्थान प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत होकर अरनोद उपखंड अधिकारी का पद दिया गया है। इस मौके पर एसडीएम सीमा खेतान ने लोगों की समस्याओं का समाधान करना और उन्हें न्याय दिलाने की अपनी पहली प्राथमिकता बताया। डूंगरपुर जिले में बीजेपी मंडलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शनिवार को राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में हल्ला बोला और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि बीजेपी मंडल की ओर से बिगड़ती कानून व्यवस्था, बिजली बिलों में बढ़ोतरी, खस्ताहाल सड़कों को लेकर कई जनहित मुद्दों को लेकर राजस्थान सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और उपखंड मुख्यालय पर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। डूंगरपुर में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के 7 आंखों में मिर्ची डालकर लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने वारदात में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जिसमें एक बाल अपचारी भी शामिल है। गौरतलब है कि एक फाइनेंस कर्मचारी की आंखों में मिर्ची डालकर उससे रुपयों से भरा बैग छीन कर ले गए थे जिसमें सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना क्षेत्र में एक लूट की घटना हुई थी, उसमें फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी
कुछ कलेक्शन करके लगभग 1,06,000 रुपए लेकर के जा रहा था, तो उसको एक सुनसान जगह पर रोक लिया गया। उसके साथ मारपीट करके आंखों में मिर्ची झोंक करके जिस बैग में वो कलेक्शन था वो बैग छीन के ले जाया गया। वारदात की गंभीरता को देख करके वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी और इस वारदात का हमने खुलासा कर दिया है। इसमें टोटल 4 मुलजिम इन्वॉल्व थे, एक बाल अपचारी था, बाल अपचारी को डिटेन किया गया, बाकी जो 4 मुलजिम हैं उनको हमने अरेस्ट कर लिया है। भरतपुर के डीक में पैसों के लेन देन के मामले में 2 लोगों ने मिलकर एक शख्स की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को जमीन में गाड़ दिया। डीक थाना प्रभारी रघुवीर सिंह ने बताया कि शक के आधार पर पुलिस ने कलुआ नाम के व्यक्ति के घर दबिश दी और पूरे मामले का खुलासा किया। दबिश के मुताबिक कलुआ और बंटू ने भूरी सिंह को शराब पिलाकर खेत में ले जाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और भूरी सिंह का शव खेत में ही दफना दिया। बारा में शहबाद पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भोयल में कार्यरत रहे ग्राम विकास अधिकारी सुरेश कुमार भार्गव का विदाई समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। विदाई समारोह की अध्यक्षता विकास अधिकारी छुट्टन लाल मीणा ने की। आपको बता दें कि पंचायत समिति के सभा कक्ष में आयोजित विदाई समारोह में उनको भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी को स्मृति चिन्ह और उपहार भेंट किए गए। जालौर की करड़ा पुलिस ने तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 10 ग्राम स्मैक बरामद कर ली है। बताया जा रहा है कि डीगांव में कोंडरा नाड़ी से फंडार नाड़ी जाने वाली सड़क पर एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पुलिस को दिखी, जिसे रुकवाकर पुलिस ने तलाशी ली तो बाइक चालक मनोहर लाल के पास से स्मैक बरामद हुई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। टोंक जिले के देवली में भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। सभी मृतक प्रदेश के ही भरतपुर जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। यह हादसा 30-31 जुलाई की रात करीब 1 बजे हुआ है। सड़क हादसे की सूचना पाकर पुलिस मौके पहुंची और फिलहाल मृतक के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नागौर जिले में हुई भारी बारिश के कारण जयपुर जोधपुर रेल मार्ग बाधित हो गया है। आपको बता दें कि नागौर जिले के गोविंदी स्टेशन के पास पटरियों के नीचे से मिट्टी ढह गई है जिससे पटरियां हवा में झूल रही हैं और इसके कारण रेल यातायात ठप हो गया है और इसके कई अलग ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर रोक दिया गया। तो इसी के साथ राजस्थान लाइव में इतना ही। नमस्कार।